हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीन मानिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मौजूद है। नमस्ते, मैं हूं शैवा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। एंड आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आप लोगों के लिए आने वाला नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, यही हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। एंड अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ स्टक महसूस कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, या ई मेल कर सकते हैं मेरे ई मेल आई डी पर। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके एनर्जी इसमें पिक कर पाऊँ और आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँ। जेमिनी, ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, ब्यूटिफुल। यहाँ पर मुझे लगता है ना, काफ़ी ज़्यादा आप लोग काम कर सकते हैं और कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपको जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा अपसेट एनर्जी में रह सकते हैं। बाकी मैं आपको और बताती हूँ, पहले मैं कार्ड्स ले लूँ सारे। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पर, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा उथल पुथल आपके इस हफ्ते रह सकती है, थोड़ा सा इरिटेशन आप लोग महसूस कर सकते हैं, आप लोग ऐसा फील कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, हर कदम पे यहाँ स्ट्रगल आ रहा है, ऐसा आपको लग सकता है। बट यस, यहाँ पर आपके सामने ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, तो आपको लग सकता है कि नहीं, बट मुझे और बेटर चाहिए, और बेटर चाहिए। अवेयरनेस में रहना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस हफ्ते। अवेयर रहिएगा जो भी आपके सराउंडिंग्स में हो रहा है, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्सो यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके करियर में, आपको कुछ पैसा, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं, पैसा कहीं से रिसीव आपको हो सकता है। एंड यहाँ पर काफ़ी रिस्पेक्ट को भी आप लोग गेन कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज की वजह से आप लोग रिस्पेक्ट को गेन कर सकते हैं। एंड साथ में मुझे लगता है कि बहुत सारी चेंजेस यहाँ पर इस हफ्ते आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ टॉक्सिक लोग आपके आसपास मौजूद हो सकते हैं जो आपका दिमाग ख़राब कर दे और आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी एनर्जी ख़राब कर सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं। सो यस, यहाँ पर टॉक्सिक लोग आपको परेशान कर सकते हैं इस हफ्ते। एंड यहाँ पर आप लोग है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अवेयरनेस की सिचुएशन में रहिएगा, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं वो आपको लेने की ज़रूरत है। एंड साथ में ना मुझे लगता है कि यस, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, रिस्पेक्ट को आप लोग गेन कर रहे हैं, अपने डर पे काबू कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं आप लोग। बट यहाँ पर ना आप थोड़ा सा ऐसा भी फील कर सकते हैं कि मैंने इतनी मेहनत कर ली तब भी मुझे रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे हैं, मुझे और अच्छा चाहिए, मुझे और ब्लेसिंग्स चाहिए। तो इस हफ्ते ना ग्रैटिट्यूड रखना, ग्रैटिट्यूड करना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रैटिट्यूड मतलब कि धन्यवाद प्रकट करना कि आपके लिए, आपके पास कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए धन्यवाद करना, कि आपके पास खाना है, पानी है, रहने को घर है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं आपके पास, उनके लिए आपको यहाँ पर धन्यवाद प्रकट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग आपकी एडवाइस ले सकते हैं, काफ़ी सारे लोग आपकी बात को सुन सकते हैं, और साथ में ना कहीं आपके लिए विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रही है। बट यस, वर्क बर्डन, वर्क प्रेशर आप लोग ज़्यादा फील कर सकते हैं अपने ऊपर, और साथ में ना आपको ऐसा लग सकता है कि टॉक्सिक लोग आपको परेशान कर रहे हैं, और साथ में आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपकी जो नेगेटिविटी है, ऑब्स्टेकल्स हैं, वो आपको परेशान बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, इरिटेशन आपको हो सकती है किसी तरह की। बट उस चीज़ से आप ओवरकम तभी हो पाएंगे जब आप अपने रूटीन में या अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आ पाएंगे, ओके। तो चेंजेस लेकर आना आपके लिए इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आना। अगर आप लोग पैसिव एनर्जी में रहते हैं तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अपने शेड्यूल को मेंटेन करना, प्लानिंग के साथ चीज़ें करना, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी रहने वाली है, आपकी
आपकी नॉलेज भी बहुत इम्प्रूव हो सकती है, स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम आपकी इम्प्रूव होती है मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ट्रैवल हो सकता है आप लोगों का इस हफ्ते, ऑल्सो काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड महसूस कर सकते हैं, रिस्पेक्टफुल वे में आपसे यहाँ पर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी नॉलेज की, आपके स्किल्स की। ऑल्सो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप लोग लव लाइफ के लिहाज से देख रहे हैं तो लव लाइफ में काफ़ी सारे ऑफर्स आप लोगों के पास आ सकते हैं। बट अभी आप लोग हैं ना, अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप रिजेक्शन के मोड में रह सकते हैं कि नहीं, मुझे अपने करियर पे पहले ध्यान देना है और अपने आप पे पहले ध्यान देना है, उसके बाद मुझे किसी भी लव लाइफ में आगे बढ़ना है। और यहाँ पर बहुत सारे प्रपोजल्स को आप लोग रिसीव कर सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि वो आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो, इस वजह से आपको पसंद ना आ रहे हो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों की रिलेशनशिप में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एंडिंग्स भी आ रही हैं, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उसके लिए एंडिंग्स आ रही हैं आपके लिए, ओके। तो यस, टॉक्सिक रिलेशनशिप वालों की एंडिंग्स हो सकती हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ टॉक्सिक है, आपकी जॉब है, आपका करियर है, आपके रिलेशनशिप है, या किसी पर्सन, कोई पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, तो उसके साथ यहाँ पर आपको ख़त्म करनी है चीज़ें, ठीक है, ताकि वो आपकी एनर्जी ड्रेन ना कर पाए। तो जो भी एंड होना चाहता है उसको जाने दीजिए, एंड हो जाने दीजिए, ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है कि यस, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। फिलहाल इस हफ्ते आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो आपका करियर ही रहने वाला है। और साथ में ना, अगर आप लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तब भी मुझे लगता है आप लोग अपनी पावर को समझेंगे और आप लोग समझेंगे कि मुझे, मैं और अच्छा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो आप लोग उस रिश्ते से निकलने के लिए कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अपने आपके पावर को आप लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को आप लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली आपको उसको एंड कर देना चाहिए, ओके। एंड आपके पार्टनर का सपोर्ट थोड़ा सा कम आपको मिल सकता है इस हफ्ते, ठीक है। और थोड़ा सा आपकी फैमिली भी आपके लाइफ में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकती हैं। आपके हेल्थ वाइज मुझे लगता है कि आपको अपने सर का, अपने पैरों का और अपनी बॉडी में थकान आप लोग महसूस कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाला है और कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा आप लोग गेन कर सकते हैं, ठीक है। आपका इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की बात को सुनिएगा, ठीक है। और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, अपनी डाइट का, ठीक है। रेस्ट करना प्रॉपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ओके। वी हैव फॉरगिव, माफ़ कीजिए, किसी को माफ़ करने की आपको ज़रूरत है, ओके। फोकस नहीं हो रहा है, ओके। चीज़ों को, लोगों को माफ़ करने की आपको ज़रूरत है, एंड यहाँ पर खुद को भी माफ़ करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। टॉक लेस फील मोर, ज़्यादा बात करके अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप लोग क्या फील कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस पे, अपनी हीलिंग पे यहाँ पर ध्यान देने के लिए आपसे कहा जा रहा है। वी हैव नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गॉड आपके साथ है, सो नो नीड टू वरी। इट इज़ अप टू यू, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, सो सब कुछ आप पे ही डिपेंड करता है, तो चिंता मत कीजिए, नो नीड टू वरी, ओके। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक की गाइडेंस। अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है आज की रीडिंग से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।